वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जैसा कि आप देख सकते हैं, हम ऑलरेडी गाड़ी में हैं और दिस इज़ द कर्टसी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिन्होंने हमारे नाक में दम कर रखा है जब से रजनी का नया अकाउंट बना है। ना एटीएम चलता है, ना मोबाइल बैंकिंग चलती है, ना नेट बैंकिंग चलती है। उन्होंने टी पिन, आई पिन, ये पिन, वो पिन, इसका पिन, उसका पिन, सारे पिन दे दिए। मैंने कल सारे डाल के देख लिए, साम दाम दंड भेद सब कर लिया, लेकिन इनका एक ट्रांजैक्शन अप या डाउन नहीं होता है। एंड आज या तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं तो हमारा अकाउंट बंद होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने DND क्रॉस किया है एंड वही आश्रम जैम में हम लोग फंसे हुए हैं एज यूजुअल। इतने सारे बोर्ड्स आते हैं वहाँ पे, ग्रीनर ये, ग्रीनर वो, इन्वायरमेंट को साफ रखो, जब भी ऐसा कुछ लिखा आता है ना तो मुझे सिर्फ एक जगह याद आती है। आप लोग को पता है क्या, दिल्ली के अंदर अंदर, दिल्ली NCR के अंदर अंदर एक हिल स्टेशन है। आप लोग को नहीं पता होगा, इन लोगों को नहीं पता पक्का। मुझे पता है, आपको पता है। छुट्टियां मनाने जाएंगे आप, छुट्टी मनाने जा सकते हो, यू कैन ट्रैक, आप ट्रैक करने जा सकते हो, ठीक है। और ऊपर ऊपर घर वर बना लो तो 2-4 डिग्री टेम्परेचर भी कम मिलेगा आपको। एंड दैट प्लेस इज नन अदर देन गाजीपुर डंप। गाजीपुर डंप लैंडफिल, जिसने नहीं देखा प्लीज जाके देखो, इट्स द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वो प्रॉपर पहाड़ है, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर कि उसके टॉप तक पहुंचते पहुंचते 1-2 डिग्री का फर्क भी पड़ जाता होगा। दिल्ली में कोई नया इंसान आया है और उसको ना बताओ तो उसको पता नहीं चलता कि वो कूड़ा है। सबसे बड़ी बात, वो एकदम ऐसे हिल स्टेशन जैसा दिखाई देता है। वो हिल स्टेशन है एंड इतनी दूर से, जितनी दूर से वो जनरली जो रोड जा रही है उसके साइड से, अगर आप वहां से निकलो तो दूर से आपको कचरा भी नहीं दिखेगा, वो आपको दिखेगा कि पहाड़ी है, काला पहाड़, काला पहाड़ है थोड़ा। चश्मा कहाँ है आपका? ग्लासेस की नहीं पहनता। अरे ये पहनना पड़ता है, ये यहाँ तक है। एक तो इनकी आँख कमजोर है, ऊपर से धूप में चश्मा नहीं पहनती। मेरी भी आंखें ऐसी हो जाती है, बट मैं ऐसा नहीं कि मैं देख नहीं पाता, ये तो ऐसे बैठ जाती है। मास्क पहनो ऐसे, तो यहाँ तक आपका मास्क है तो चश्मा कैसे पहनोगे? उसके ऊपर, उसके ऊपर फिर अंदर बादल छा जाते हैं। क्या करोगे, बरसात हो जाती है अंदर। हाँ। अब मुझे मैकडोनल्ड्स का बर्गर बहुत पसंद है पर्सनली। मैकडोनल्ड्स का बर्गर नहीं पसंद, सिर्फ मैक एग पसंद है। उसको पीसेस में खाता हूँ। इतना बड़ा मुंह खोल के खाना पड़ता है उसको, तो बाहर कभी मत खाना। बाहर मत खाना, इट लुक्स वेरी सीरियसली। पर शौक में मैंने खुद ही ले लिया था, अपना सरनेम पीछे लगा हुआ है इसलिए। हाँ। महाराजा मैं, त्रिभुवन महाराजा मैं, नाइस। तो एक घंटा गाड़ी में सड़ने के बाद मेरे को महसूस हुआ कि मुझे आराम की सख्त ज़रूरत है, इसलिए लकीली रुचि का घर पास में था तो मैंने उसको फ़ोन किया। बेचारी नाइट शिफ्ट करके सोई थी और मैंने उसको जगा दिया, वापस घर आ गया। अब मैं लेटा हूँ आराम से एंड रजनी वहीं पे बैंक में काम कर रही, तो मैंने उनको वहीं छोड़ा है। और यहाँ पे रुचि जो है वो बैठ के एक आँख बंद है, एक आँख खुली, और वो मैकडोनल्ड से कुछ ऑर्डर कर रही है हम लोग के लिए। बस थोड़ा सा कुछ खा पी के इनको मैं पिक करने जाऊँगा। रुचि की स्कूटी बाहर है, गाड़ी मेरी बहुत दूर पार्क्ड है और लेग्स मारे थे मैंने अभी जिम में, तो मेरे से चला तो जा नहीं रहा, इसलिए मैं स्कूटी पकड़ूंगा, डर करके पहुँचूँगा, फिर इनको लेके आ जाऊँगा। उसके बाद खा पी के हम लोग निकलेंगे वापस घर। रुचि क्या क्या ऑर्डर कर दिया? मैं स्पाइसी पनीर। आँख तो खोल ले, मैं स्पाइसी की जगह मैं चिकन मत कर दियो, वेजिटेरियन हूँ मैं। आज ट्यूसडे है ना, तो मैं भी नहीं खाऊंगा। आज तुम भी पंडित हो। तो ये बैंक से वापस आ गया एंड शी इज नॉट लुकिंग हैप्पी। एंड में यही हुआ कि काम नहीं हुआ। फिर से काम नहीं हुआ? हाँ, अरे मतलब वो सब लोग बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो स्टाफ को लेके मुझे कभी कोई कंप्लेन ही नहीं होता, बट जो प्रोसेस में है वही नहीं हो रहा, तो आपका काम तो नहीं बना ना। मतलब क्या फंस रहा है? कार का जो पिन बनाना था वो लोग खुद भी नहीं बना पा रहे, नेट बैंकिंग नहीं चल रहा था, बाहर धूप में खड़े होकर लिटरली करते हैं ये सारा काम। उन्होंने बहुत हेल्प किया, बाहर खड़े होकर मेरा नेट बैंकिंग चालू करने की कोशिश करी, बट वो हो गया, नेट बैंकिंग हो गया है, बट कार एक्टिव है नहीं है कुछ नहीं पता। मैं तो एकदम धमकी देके आई हूँ कि मैं अब नहीं आऊंगी फिर से। हाँ, या तो अकाउंट बंद करो या तो काम करो। ओ बाप रे बाप। एंड आप ये मेरे लिए क्या लाए? ये वाह, एक तरफ से मैं जिम जाता हूँ, दूसरी तरफ से मैं ये खाता हूँ, क्या होगा मेरा? ये क्या है, ये क्या है, क्या है, क्या है? कोल्ड कॉफी। वेरी गुड, वेरी गुड। हम दोनों खाएंगे क्योंकि रुचि खा
खा नहीं सकती है, उसकी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, तो ये सब उसको अलाउड नहीं, वो देखेगी बैठ। ओके आई हैव माय खिचड़ी। सबके घर पे कुछ ना कुछ सीरीज चलती रहती है। रुचि के घर पे देखो क्या चलता है, ये रुचि टाइम पास के लिए ये देखती है, ये देखो हम ही विराजमान है। आई एम मेरे ब्लॉग के अंदर ब्लॉग है। रुचि देख, तुम मेरा एक एपिसोड कितनी बार देखती हो? 3-4 times। हाँ, ये मेरे हर एपिसोड को 3-4 बार देखती है। हाउ स्वीट रुचि, हाउ स्वीट। प्रेसिडेंशियल पेपर साइन हो रहा है ऐसा लग रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया B.R. अम्बेडकर के बाद इन्होंने ही लिखा है। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। ये कितनी बार जाऊंगी, कितनी बार जाऊं यार, इस बार आई विल गो विद यू। सब ये भी तो साथ में गए थे, बाहर से छोड़ के निकल गए। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए ना, मैं सारा यहीं पे, मुझे नहीं करना। ये जूता चप्पल वापस पहन लिया गया है क्योंकि ये लोग वापस बैंक जा रहे हैं, इनसे नहीं हो पा रहा। इशारा मार दिया जाने में। रुचि मैं मेरा अकाउंट नहीं है तो रुचि नहीं। रुचि नहीं, रुचि ने क्या किया? रुचि ने क्या किया? एक तो बीमार इंसान तेरे साथ घूम रही। अच्छा नंदू आओ, वो घर देखते हैं। अच्छा ठीक, क्या देखते हैं? पहले चल ले, बैंक टाइम देख रही है। ये बदल रहा चारों तरफ, तो बोल रहा है रुचि बकवास मत कर, बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तेरे बाहर का और इस लड़की बोल रहा हूं। चलो बाय, टाटा निकलो बाहर, बाय। रोने का मन हो गया लिटरली, बाय। रोना रे। तो हम लोग निकल गए रुचि के घर से, अब हम लोग जा रहे हैं घर। बाय 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 बाय। तो हम लोग जस्ट अभी अभी घर पहुंचे हैं एंड लिटरली मेरे पैर का मुरब्बा बन रखा था, इसलिए रुचि अपने अपनी स्कूटी निकाली, दीदी ने अपनी स्कूटी निकाली, रुचि ने रजनी को बैठाया, दीदी ने मुझे बैठाया और मेरी गाड़ी तक छोड़ा जो थोड़ी दूर खड़ी हुई थी। ये हालत है मेरी सीरियसली। एंड रास्ते भर क्योंकि ऑफिस ट्रैफिक हो गया था, टाइम वैसा हो गया था, तो आश्रम से लेके पूरे D&D पे मैंने कम से कम कितने, अच्छा 5 गाड़ियाँ, राइट, 5 गाड़ियाँ, 1 ट्रक खराब मिले हैं। ट्रक तो खैर चढ़ा ही हुआ था उस पर, उसकी वजह से इतना ट्रैफिक जमा था। क्लच ब्रेक करते करते मुझे एक बार को लगा कि मेरा पैर यहाँ से उखड़ के मेरे हाथ में आ जाएगा, मुझे ऐसा लगा। तो खैर पहुँच गए। और मामा बाबा, और आज मामा और मुझे जिम में जा, अबे क्या बोल रहा हूँ, और मामा और मामा मुझे, अबे यार, और रसमलाई नहीं, 1-2-3 यहाँ से बैठ के बोल रही है रसमलाई। नहीं, और मलाई रसमलाई। तो मामा और मुझे जो है वो चेस्ट और बाइसेप्स नहीं मारने थे। 1-2-3 चुप, एक्शन, थैंक यू। और मामा और यार, मामा और मुझे आज चेस्ट और शोल्डर्स करने थे, बट मुझे तो हरारत हो रखी है इसलिए मैं आज जिम जाऊंगा नहीं, अब ये होगा कल। स्पेयर हर, ठीक है चुप रहो। मैं तो दिखी नहीं रही। तो मैं ये कह रहा था कि आज मामा और मुझे जो है वो शोल्डर्स और चेस्ट करना था, जो कि हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज मेरी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। सो आई ईट लाइट, कीप इट टाइट। आज हमें सेंट्रल बैंक ने रुला दिया, बैंक वालों ने नहीं, सेंट्रल बैंक ने रुला दिया। बट सेंट्रल बैंक स्पेशली गुलमोहर पार्क ब्रांच, इससे अच्छा स्टाफ मैंने नहीं देखा। द स्टाफ इज सो नाइस, द स्टाफ इज वेरी वेरी नाइस। एनी वेज इट्स टाइम टू एंड। आई रियली होप यू लाइक द ब्लॉग एंड इफ यू डिड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड शी विल ऑल्सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीछे पता नहीं क्या कर रही है। Here goes out the light.